मोर डिलीशियस रेसिपीज सब्सक्राइब सारस किचन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सारास किचन और आज अपने किचन में मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो बहुत ही ज़बरदस्त हम क्रीम चाट बनाएंगे जो कि बहुत ही अच्छी बनेगी। उसके लिए जो चीज़ें यहाँ पे मुझे चाहिए, मैं थोड़ी सी ज़्यादा बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 क्रीम के पैक लिए हैं। इसके अलावा मेरे पास कंडेंस मिल्क है, 450 ग्राम वाला पैक है। मायोनीज इसमें जाएगी। मिक्स फ्रूट का टिन मैंने लिया है, आप चाहें पाइनएप्पल का भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने जेली तैयार करके रखी है, वो साथ साथ आपको सब कुछ बताती जाऊँगी और फ्रूट्स जो मैंने लिए हैं वो भी आपको दिखाती हूँ। कंडेंस मिल्क जो है इसकी जगह पे आप किसी भी चीनी या दूसरी रेगुलर जो डालते हैं वो भी डाल सकते हैं, तो मैं इसमें कंडेंस मिल्क यूज़ करूँगी। तो चलिए अब अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पहले क्रीम इसमें डाल देंगे। अब इसमें कंडेंस मिल्क डाल दूंगी मैं। अभी मैंने हाफ डाला है, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो फिर मैं बाकी भी डाल दूंगी। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा ये जो टिन में ये जो पानी मौजूद होता है ये भी इसमें डाल दूंगी, सिरप इसका जो है थोड़ा सा ये भी इसमें डालूंगी। तो ये चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें थोड़ी सी मायोनीज डालेंगे। मायोनीज इसमें तकरीबन हाफ कप मैं डालूंगी। अब इसमें फ्रूट तमाम जो है रखे मैंने वो मिक्स करूंगी। तो अब मैं इसमें एप्पल डाल दूंगी। यहाँ मैंने 2 किलो मेरे पास सेब हैं, ये मैंने इनको बिल्कुल बारीक काट लिया था, ये मैं इसमें डाल दूंगी। इनको थोड़ा मिक्स कर लेंगे, फिर दोबारा इसमें केले शामिल करेंगे। अब इसमें केले ऐड करेंगे। केले भी मैंने तकरीबन 3 दर्जन के करीब लिए हैं। क्रीम इसमें मुझे थोड़ी कम लग रही है, मैं थोड़ी सी और ऐड कर लूँगी इसमें। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चीनी वगैरह आप अपने हिसाब से चेक कर लें, अगर आपको कम लगे तो और डाल लें। थोड़ा सा ये मिक्स फ्रूट का जो टिन है ये भी इसमें डाल दूँगी, थोड़ा सा हम ऊपर डेकोरेट करने के लिए रखेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चीनी इसमें थोड़ी सी कम थी तो मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड की है। फ्रूट्स आप अपने हिसाब से जो भी इसमें डालना चाहें। क्रीम चाट जो है हमारी ये काफ़ी ठंडी हो चुकी है। अब मैंने मुझे ये अंगूर अच्छे वाले मिल गए थे, कुछ ये मीठे हैं तो मैं ये भी इसमें सारे ऐड कर दूंगी। जेली भी मैंने बना के रखी हुई है, ग्रीन वाली भी है और रेड भी है। इसको मैं अपनी डिश में निकाल लूँगी, फिर मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़े से ये ड्राई फ्रूट्स हैं ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। किशमिश है, बादाम है, पिस्ते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो आप डाल दें। तो डिश में मैं ये निकाल लूंगी, इसको मैं सेट कर लूं ताकि मैंने बाकी चीज़ें भी सारी रखनी हैं साथ साथ ही। तो जेली भी सारी मैं इसके ऊपर इस तरह से डाल दूंगी क्योंकि बच्चों की सबसे फेवरेट चीज़ जो है वो यही है। ऊपर से ये थोड़े से नट्स हैं ये ऊपर ही डाल देंगे। मिक्स फ्रूट का ये जो टिन था थोड़ा सा ये भी मैंने रखा हुआ था, ये भी इस पे डाल देंगे और ये हमारा बिल्कुल रेडी है।